सीबीएसई ने साफ कर दिया है कि सोशल मीडिया पर 12वीं के राजनीतिक शास्त्र का जो पेपर दिखाया जा रहा है, 10वीं का संस्कृत का लीक पेपर भी फर्जी है, 12वीं का हिंदी इलेक्टिव का लीक पेपर भी झूठा है। दूसरी खबर यह कि गूगल से जानकारी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने उस शख्स से पूछताछ की जिसने पेपर लीक की सूचना सबसे पहले सीबीएसई के डायरेक्टर को दी थी। तीसरी खबर यह कि कल रात दिल्ली पुलिस ने सीबीएसई हेडक्वार्टर पर आला अधिकारियों और स्टाफ से 3 घंटे पूछताछ की। चौथी खबर यह कि दिल्ली पुलिस ने 53 छात्रों, 7 शिक्षकों और 6 व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन और सदस्यों से पूछताछ की। पांचवी खबर, झारखंड के चतरा में एक कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर समेत 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 9 नाबालिग छात्र अभी गिरफ्तार हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर सीबीएसई बोर्ड के कई पेपर लीक होने की खबरें आ रही हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड हो रहे पेपर्स या तो फर्जी हैं या फिर पहले के सालों के हैं। पिछले 2 दिन में 3 सब्जेक्ट्स के पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हुए, लेकिन सीबीएसई के हवाले से हम उन पेपर्स की सच्चाई आपको बताते हैं। 12वीं का राजनीति शास्त्र का लीक पेपर फर्जी, 12वीं का हिंदी इलेक्टिव का लीक पेपर फर्जी, 10वीं का संस्कृत का लीक पेपर फर्जी। सीबीएसई ने खुद पेपर्स के YouTube लिंक जारी कर इन्हें या तो फर्जी बताया है या फिर कहा कि ये पेपर पिछले सालों के हैं। सीबीएसई ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा, क्लास 12वीं का राजनीतिक शास्त्र, क्लास 12वीं का हिंदी इलेक्टिव और क्लास 10वीं का संस्कृत का पेपर सोशल मीडिया पर YouTube के जरिए सर्कुलेट हो रहा है। छात्रों को अलर्ट किया जा रहा है कि वो ऐसे किसी साइट्स को सब्सक्राइब ना करें। सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे ये पेपर्स या तो पिछले सालों के हैं या फिर फर्जी हैं। इस बीच जिस विसल ब्लोअर ने पेपर लीक का खुलासा किया था उसकी जानकारी मिल गई है। गूगल ने दिल्ली पुलिस को शख्स की पहचान बता दी जिसने सीबीएसई को पेपर लीक की खबर दी थी। उस शख्स ने लीक पेपर को मेल में अटैच कर सीबीएसई के डायरेक्टर को भेजा था। गूगल ने पुलिस को उस व्यक्ति का डिटेल दिया। पुलिस ने गूगल से ईमेल भेजने वाले का डिटेल मांगा था। पूछताछ के बाद पता चला कि उस शख्स का खुद का बेटा 10वीं का छात्र है। उस व्यक्ति को भी लीक पेपर कहीं और से मिला था। इसके बाद पेपर लीक की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच बीती रात करीब 8:30 बजे दिल्ली में मौजूद सीबीएसई के हेडक्वार्टर पहुंची, जहां करीब 3 घंटे तक सीबीएसई के आला अधिकारियों और स्टाफ से पूछताछ की। सीनियर ऑफिसर हैं वो भी यहां पर मौजूद थे और जो स्टाफ है वो भी यहां पर मौजूद था। उनसे लगातार ये जानने की कोशिश की कि जो मेल यहां पर पहुंचा था, जो फैक्स आया था, वो आखिरकार किसने देखा था और कैसे आगे तक पुलिस तक पहुंचा, उसके बाद में कितने वक्त तक पुलिस को इस बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी, कितना ड्यूरेशन था, उसको जानने की कोशिश की। अब तक दिल्ली पुलिस 53 छात्रों से पूछताछ कर चुकी है, 7 शिक्षकों से भी पूछताछ की गई है, 6 व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन और सदस्यों से पूछताछ हुई है। पेपर लीक के वायरल चेन को पता करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने दिल्ली NCR में कई जगहों पर छापे मारे। उधर झारखंड के चतरा में पेपर लीक मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 6 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें प्राइवेट कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर भी शामिल हैं। 9 छात्रों को भी जुवेनाइल एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। 9 लोग नाबालिग हैं, तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के जो भी नियम कानून है उनके तहत उन लोगों को डिटेन किया गया और संबंधित जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने प्रस्तुत किया गया है और उसमें जस्टिस रूम में भेजा गया। पेपर लीक को लेकर दिल्ली में शनिवार को भी छात्रों ने प्रदर्शन किया। और ये सब चक्कर ही सीबीएसई गया, अगर इनके अंडर पेपर थे तो इनकी गलती इन्होंने लीक कैसे होने दी। हम वेस्ट में 18-18 घंटे हमने मेहनत करी है पढ़कर, हम चंद बच्चों की गलती की वजह से हम क्यों दोबारा दे पेपर। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पेपर लीक मामले की तह तक जाने का भरोसा दिया है। स्वाभाविक रूप से एक्शन लिया है, अरेस्ट भी हुई है और इसकी तह तक जा रहे हैं, इस घटना का रिपीटेशन न हो इसके लिए। सीबीएसई पेपर लीक मामले में दोबारा परीक्षा कराने के खिलाफ एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर हो गई है। याचिका में दोबारा परीक्षा कराने का विरोध करते हुए पुरानी परीक्षा के आधार पर ही रिजल्ट घोषित करने और सीबीआई जांच की मांग की गई है। नीरज कौर, जी मीडिया, दिल्ली।